हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। कॉन्टैक्ट लेंसेज आप लोगों को पता ही होगा, एक बहुत ही पतला सा लेंस होता है जिसमें आपके चश्मे की पावर होती है, जिसको आप अपनी आंख में लगा सकते हैं और टेम्पररली कुछ समय के लिए चश्मे से निजात पा सकते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम कॉन्टैक्ट लेंस को ट्राई करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमें बताइए कि इन सब में क्या डिफरेंसेस होता है, कितने तरह के अवेलेबल हैं लेंसेज मार्केट में, इतने सारे तरह के लेंसेज हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज की वीडियो में सबको डिस्कस करेंगे कि कॉन्टैक्ट लेंस को खरीदने से पहले, कॉन्टैक्ट लेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या पता होना आपको ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं एज अ डॉक्टर कॉन्टैक्ट लेंस को नहीं रिकमेंड करता। कॉन्टैक्ट लेंस एक सोल्यूशन तो है चश्मा हटाने का, लेकिन ये बहुत ही रिस्की सोल्यूशन है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को देखता हूं जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं और उनकी आंखों में अक्सर प्रॉब्लम्स बनती है, जैसे आंखों में केराटाइटिस होना, कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड केराटाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस होना, जॉइंट पैपुलरी कंजंक्टिवाइटिस, कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड इन्फेक्शंस होना। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है जो आंखों में बनती हैं कॉन्टैक्ट लेंस को पहनने से। सो रेगुलर यूज़ में मैं इनको नहीं रिकमेंड करता। हाँ, कभी कभी अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी फैमिली फंक्शन में जाना है या आपको स्पोर्ट्स खेलना है जहाँ पर आप चश्मा नहीं पहन सकते, तो कभी कभार कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेगुलरली कॉन्टैक्ट लेंस को नहीं यूज़ करना चाहिए मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को देखता हूँ जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं कि उनके पास चश्मे की पावर होती है और वो यूजुअली ऑनलाइन या फिर किसी लोकल चश्मे की दुकान में जाके कॉन्टैक्ट लेंस को ऑर्डर कर देते हैं। ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस की पावर को आंख में प्रॉपरली और एक्यूरेटली सेट करना बहुत ज़रूरी है, और यूजुअली ऑनलाइन या फिर लोकल चश्मे की दुकानों में उनके पास कॉन्टैक्ट लेंस ट्रायल सेट्स नहीं होते। तो इस ट्रायल सेट से पहले आपकी कॉन्टैक्ट लेंस की पावर को, उसकी फिटिंग को प्रॉपरली सेट करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद आपको एस्थेनोपिक सिम्टम्स जैसे हेडेक, आई एक, चक्कर आना, आंखों में थकावट लगना, आंखों में भारीपन लगना, इस तरह के सिम्टम्स आपको ना बने। तो हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस एक आंखों के हॉस्पिटल में जाके प्रॉपरली चश्मे का नंबर चेक करा के, हो सके तो डायलेटेड चेकअप करा के, और प्रॉपरली आंखों का सेटिंग, कॉन्टैक्ट लेंस की प्रॉपर सेटिंग एक ट्रायल सेट से करा के ही आपको कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करना शुरू करना चाहिए उसके बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल हैं, कौन सी पावर्स अवेलेबल है और कॉन्टैक्ट लेंस को खरीदते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली अब ये हमें समझना ज़रूरी है कि मार्केट में कितने तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल हैं। उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके आँख का चश्मे का नंबर क्या है। तो उसके लिए ऊपर एक लिंक आ रहा है, इस लिंक को आप क्लिक करके थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आंखों के चश्मे के नंबर को पढ़ा कैसे जाता है। तो बेसिकली मार्केट में चार तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल हैं। सबसे पहला लेंस है जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल लेंस, जो आपके आंख का स्फेरिकल नंबर ठीक करता है। दूसरा होता है टॉरिक लेंस, जो आपकी आंख का स्फेरिकल नंबर के साथ सिलेंडर नंबर भी ठीक करता है। तीसरा होता है प्रेस बायोपिक लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज, जो यूजुअली 45-50 इयर्स की एज में पहने जाते हैं, जिसमें दूर का और नज़दीक का दोनों नंबर होते हैं, जिनकी आंखों में उम्र के साथ प्रेस बायोपिक की प्रॉब्लम आ जाती है, जिनका दूर का नंबर भी आ जाता है, नज़दीक का नंबर भी आ जाता है, उस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। और चौथे तरह के लेंस होते हैं जो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, जो बेसिकली उनको पहन के आपकी आंखों में कलर आ जाता है। कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पावर में आते हैं, स्फेरिकल पावर में अवेलेबल हैं। ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एक एक करके हम शुरू करते हैं। अब स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज में आजकल कई सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एल्कॉन, बॉश एंड लॉन्ग, जॉनसन एंड जॉनसन, कूपर विजन, प्योरिकॉन, अलग अलग तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। यूजुअली आई डॉक्टर्स की और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने हैं तो आप डेली डिस्पोजेबल वाले पहनिए। एक तो डेली डिस्पोजेबल में कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता, कोई ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होती,
सुबह खोला, पहन लिया, रात को उतार के फेंक दिया। कोई साफ करने का झंझट नहीं, कोई मेंटेनेंस का झंझट नहीं, और डेली डिस्पोजेबल लेंसेज में इन्फेक्शन का चांस भी बहुत कम होता है। लेकिन डेली डिस्पोजेबल्स थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं कंपेयर टू मंथली डिस्पोजेबल्स। सो ज़्यादा पॉपुलर मंथली डिस्पोजेबल्स हैं, लेकिन पर्सनल रिकमेंडेशन एज अ डॉक्टर, अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने हैं, पहली बात तो रेगुलरली नहीं पहनने चाहिए, लेकिन अगर कभी कभार भी पहनने हैं तो डेली डिस्पोजेबल वाले लेंसेज जो हैं आपको यूज़ करने चाहिए। डेली डिस्पोजेबल लेंसेज में जो पावर है वो बहुत ही आराम से अवेलेबल है, -0.5 से शुरू हो जाती है और -0.5 से लेके -6 तक 0.25 के स्टेप्स में ये बढ़ती है। मतलब -0.5 अवेलेबल होता है, 0.75 अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, 1.25 अवेलेबल है, ऐसे करके 0.25 के स्टेप्स में -6 तक अवेलेबल है और -6 से लेके -10 तक 0.5 के स्टेप्स में अवेलेबल होता है। मतलब -6 के ऊपर 6.5 अवेलेबल होता है, फिर 7, फिर 7.5, फिर 8, इस तरह के 0.5 स्टेप्स में अवेलेबल होता है डेली डिस्पोजेबल स्फेरिकल। और अगर प्लस की बात करें तो +0.5 से लेके +6 तक 0.25 के स्टेप्स में डेली डिस्पोजेबल लेंसेज अवेलेबल है। तो अगर आप डेली डिस्पोजेबल लेंसेज पहनना चाहते हैं तो अगेन बता रहा हूँ, एल्कॉन के डेलीज बहुत पॉपुलर लेंसेज हैं, बहुत अच्छे लेंसेज हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी मेंटेन करते हैं, FDA अप्रूव्ड हैं। सिमिलरली बॉश एंड लॉम के सॉफ्ट लेंस एंड बायोट्रू, ये दोनों भी बहुत अच्छे लेंसेज हैं, पूरी दुनिया में चलते हैं। और जॉनसन एंड जॉनसन का एक्यूव्यू मॉइस्ट, ये भी बहुत अच्छा लेंस है, पूरी दुनिया में चलता है। तो इन तीनों ब्रांड का आप कोई भी लेंस ले सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर है। पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट कंफर्ट में ज़्यादा एल्कॉन और बॉश एंड लॉम के लेंसेज में देखता हूँ कंपेयर टू जॉनसन जॉनसन का एक्यूव्यू। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन या तो एल्कॉन या फिर बॉश एंड लॉम, इन दोनों में से कोई भी लेंस आप चूज कर सकते हैं डेली डिस्पोजेबल की स्फेरिकल कैटेगरी में। तो अगर आप मेरे से पूछो कि डॉक्टर साहब मुझे एक लेंस बताओ कि डेली डिस्पोजेबल स्फेरिकल में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो आप ले लो बॉश एंड लॉम का बायोट्रू। और अगर आपको सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए डेली डिस्पोजेबल में, तो आप ले लो एल्कॉन का डेलीज। दोनों अच्छे हैं, ये बेस्ट है, ये एक थोड़ा चीप ऑल्टरनेटिव है। अब जैसे डेली डिस्पोजेबल स्फेरिकल में अवेलेबल है, वैसे ही मंथली डिस्पोजेबल भी अवेलेबल है। मंथली डिस्पोजेबल का मतलब है कि आप उनको 30 दिन तक पहन सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने पहले 4 दिन पहना, फिर 2 दिन नहीं पहना, फिर 2 दिन पहन लिया, फिर 2 दिन नहीं पहना, तो बेसिकली एक बार ही लेंस अगर खुल गया तो उसको 30 दिन में आपने फेंक देना है। और अगर आप लेंस नहीं पहन रहे हो तो उस लेंस का सोल्यूशन आपको रोज चेंज करना है और लेंस को और लेंस के बॉक्स को अच्छे से क्लीन करना है। मंथली डिस्पोजेबल्स में एक थोड़ा सा आपको एडवांटेज और मिल जाता है कि अगर आपके चश्मे की पावर थोड़ी हाई है, अगर 10 से ऊपर है, तो मंथली डिस्पोजेबल्स में 12 तक नंबर आराम से मिल जाता है। मतलब -12 तक आपको आराम से मंथली डिस्पोजेबल अवेलेबल हो जाएगा, जबकि डेली डिस्पोजेबल जो होते हैं स्फेरिकल वाले, वो 10 तक ही अवेलेबल होते हैं। अब मंथली डिस्पोजेबल में अगेन तीन बड़े ब्रांड्स हैं, एल्कॉन, बॉश एंड लॉम एंड जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन के एक्यूव्यू रेंज है लेंसेज की, बहुत अच्छे लेंसेज हैं, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं है जितने एल्कॉन और बॉश एंड लॉम के पॉपुलर है। तो बॉश एंड लॉम में भी आपके पास बॉश एंड लॉम अल्ट्रा बहुत पॉपुलर लेंस है, बॉश एंड लॉम प्योर विजन बहुत पॉपुलर लेंस है, बॉश एंड लॉम सॉफ्ट लेंस 59 बहुत पॉपुलर है, और बॉश एंड लॉम कनेक्ट, आई कनेक्ट, ये भी बहुत पॉपुलर है। सिमिलरली एल्कॉन में आपके पास एयर ऑप्टिक्स एक्वा, एयर ऑप्टिक्स हाइड्राग्लाइड और O2 ऑप्टिक्स, ये लेंसेज अवेलेबल हैं आपके मंथली डिस्पोजेबल में। तो अगर अब आप मेरे से पूछो कि मंथली डिस्पोजेबल में बेस्ट कौन सा है, तो वो या तो आप एल्कॉन का एयर ऑप्टिक्स एक्वा ले लो या बॉश एंड लॉम का अल्ट्रा ले लो। ये दोनों लेंसेज जो हैं ये बेस्ट हैं मंथली डिस्पोजेबल स्फेरिकल की कैटेगरी। और अगर आपको चीप अल्टरनेटिव चाहिए, एक सस्ता लेंस चाहिए, तो सस्ते लेंस में बॉश एंड लॉम का आई कनेक्ट,
ये वाला लेंस ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लेंस है। अब स्फेरिकल लेंसेस ईयरली डिस्पोजेबल में भी अवेलेबल हैं। ईयरली डिस्पोजेबल में एक एडवांटेज मिलता है बस, कि थोड़ी हाई पावर आपको और मिल सकती है। तो सपोज आपकी पावर -15 है तो वो आपको ईयरली डिस्पोजेबल में मिलेगी, लेकिन ईयरली डिस्पोजेबल बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड सिर्फ डेली है, मंथली भी अवॉइड करिए, लेकिन मंथली थोड़े से वो होते हैं, चीपर होते हैं, थोड़े ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन ईयरली तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ईयरली लेंस तो पहनने ही नहीं है। अब कई लेंसेज ऐसे भी आ गए हैं जो जिनको हम डे एंड नाइट लेंसेज कहते हैं, मतलब उनको सुबह और रात दोनों टाइम पहन सकते हो और 30 दिन के लिए अप्रूव्ड होते हैं। जैसे एल्कॉन का डे एंड नाइट लेंस है, उसको 30 दिनों के लिए इन्होंने अप्रूव करा हुआ है कि एक बारी महीने की शुरुआत में पहन लो और उनको 30 दिन बाद उतारना। या फिर जो हाई क्वालिटी लेंसेज हैं, जैसे हमने डिस्कस करे जो बेस्ट लेंसेज हैं, वो करीब 6 नाइट्स के लिए अप्रूव्ड है, कि मतलब 6 रातों तक आप उनको पहन सकते हो। मतलब एक बारी पहन लिया तो अब अगले हफ्ते उसको हटाना। ये रिकमेंडेड तो है, लेकिन मेरी ऑनेस्ट सजेशन, पर्सनल सजेशन, रात को कॉन्टैक्ट लेंस पहन के नहीं सोना चाहिए। जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अक्सर इसीलिए देखी जाती हैं कि रात में कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो गए और सुबह उठ के आँखों में प्रॉब्लम हो गई। तो अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का सोच रहे हैं तो उसको सुबह पहनिए, लेकिन रात को उसको निकाल दीजिए। 8-9 घंटे आराम से पहन सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरनाइट सोते हुए कॉन्टैक्ट लेंस को नहीं पहनना। लेकिन अक्सर लोगों की आँख में प्योर स्फेरिकल नंबर नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आँख में सिलेंड्रिकल नंबर भी होता है। तो अगर आपकी आँख में सिर्फ आधा सिलेंडर नंबर है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्फेरिकल लेंसेज पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आँख में आधे से ज़्यादा नंबर है और आप प्योर स्फेरिकल लेंसेज पहनते हैं, तो आपकी विजन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, साथ ही साथ हो सकता है सिर दर्द, आँखों में दर्द, एस्थेनोपिक सिम्टम्स आपको बने। तो अगर आपकी आंख में आधे से ज़्यादा सिलेंडर नंबर है तो आपको टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंस पहनने। अब टॉरिक भी अगेन डेली डिस्पोजेबल में अवेलेबल है, मंथली डिस्पोजेबल में अवेलेबल है, लेकिन डेली डिस्पोजेबल में सिर्फ बॉशन लॉम्ब है जो टॉरिक लेंसेज बनाता है। तो डेली डिस्पोजेबल टॉरिक लेंसेज में बॉशन लॉम्ब का बायोट्रू और बॉशन लॉम्ब का सॉफ्ट लेंस, ये दोनों अवेलेबल है। एल्कॉन डेली डिस्पोजेबल टॉरिक लेंसेज नहीं बनाता और जॉनसन जॉनसन भी डेली डिस्पोजेबल टॉरिक लेंसेज नहीं बनाता, लेकिन एल्कॉन, जॉनसन जॉनसन और बॉशन लॉम्ब तीनों मंथली डिस्पोजेबल टॉरिक लेंसेज बनाते हैं। तो उसमें बॉशन लॉम्ब का बेसिकली बॉशन लॉम्ब अल्ट्रा, बॉशन लॉम्ब सॉफ्ट लेंस एंड बॉशन लॉम्ब प्योर विजन, ये अच्छे लेंसेज हैं मंथली डिस्पोजेबल टॉरिक में। जॉनसन एंड जॉनसन की भी एक्यूव्यू ओएसिस में टॉरिक मंथली डिस्पोजेबल लेंसेज अवेलेबल हैं, और एल्कॉन का एयर ऑप्टिक्स टॉरिक अच्छा लेंस है मल्टी डिस्पोजेबल टॉरिक लेंसेज में। टॉरिक लेंसेज में सिलेंड्रिकल पावर बेसिकली 2.75 तक आती है। स्फेरिकल पावर तो आपको मिल जाती है आराम से 10-12 तक, लेकिन जो सिलेंड्रिकल पावर है वो 2.75 -2.75 तक अवेलेबल है सिलेंड्रिकल पावर टॉरिक लेंसेज में। तो अगर आपकी सिलेंड्रिकल पावर -2.75 से ज़्यादा है तो पहले तो हम कहते थे कि हार्ड लेंसेज पहनने पड़ेंगे, लेकिन आजकल एक और कंपनी जो कूपर विजन के नाम से है, वो बनाती है कस्टमाइज्ड लेंसेज हाई पावर के लिए, और वो -5.75 सिलेंडर तक लेंसेज अवेलेबल हैं कूपर विजन से। लेकिन वो लेंसेज इंडिया में रेडिली अवेलेबल नहीं है। अगर आपका सिलेंड्रिकल पावर हाई है तो आपका सारा डाटा अमेरिका भेजा जाएगा और वहाँ पे वो लेंस कस्टम मैन्युफैक्चर होके इंडिया कोरियर किया जाएगा। तो उस वजह से लेंस की कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाती है, लेकिन अगर आपकी पावर हाई है तो आजकल अवेलेबल हैं कूपर विजन से -5.75 तक सिलेंड्रिकल पावर। टॉरिक लेंसेज में जो सिलेंड्रिकल पावर होती है वो -0.5 के स्टेप्स में बढ़ती है। मतलब जैसे अगर आपकी सिलेंड्रिकल पावर 0.75 है तो उसका नेक्स्ट आपको 1.25 मिलेगा, 0.5 के स्टेप्स में वो बढ़ती है। और इनका एक्सेस जो है वो 0 से लेके 180 तक 10-10 के एक्सेस में अवेलेबल होता है। तो 0 डिग्री का अवेलेबल होगा,
10 डिग्री का अवेलेबल होगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे 10-10 डिग्री के स्टेप्स में ये बढ़ता है। तो बहुत ही रेडिली अवेलेबल है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप टॉरिक लेंस आंख में पहनते हैं तो आपको ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि उस लेंस की अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। ये आपका लेंस है और इस लेंस के एक पर्टिकुलर एक्सिस में आपकी पावर है। तो जब आप टॉरिक लेंस आंख में लगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि उस लेंस की अलाइनमेंट इस हिसाब से हो कि वो जो एक्सिस है पावर की वो उसी जगह पे कोइंसाइड करे जिस जगह आपकी आंख में पावर है। तो उसके लिए इन टॉरिक लेंसेज में एक प्रिज्म बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब इस लेंस में कुछ प्रिज्म्स लगे होते हैं, वेट लगे होते हैं, जिससे जब आप लेंस आंख में लगाते हैं तो उस वेट की वजह से ऑटोमेटिकली लेंस उसी जगह पे सेट हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको लगाते हुए इन लेंसेज को काफ़ी ध्यान रखना है और इन लेंसेज में एक पर्टिकुलर मार्किंग होती है। जैसे अगर आप इन लेंस को देखेंगे, जैसे अगर आप इस फोटो को देखें तो इस लेंस के 6 o'clock की पोजीशन में ये एक छोटा सा मार्क बना होता है। तो इस मार्क को आपकी आंखों के 6 o'clock की पोजीशन में, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ होना चाहिए। तो अगर आप इस लेंस को प्रॉपरली 6 o'clock की पोजीशन पे अलाइन करेंगे तो इस लेंस का बेस्ट रिजल्ट आएगा। कभी कभार जो बिगनर्स होते हैं जो टॉरिक लेंसेज यूज़ करते हैं वो कभी कभार इस मार्क को प्रॉपरली अलाइन नहीं कर पाते 6 o'clock पे। तो अगर आप 6 o'clock पे प्रॉपरली अलाइन नहीं कर पा रहे तो घबराने की बात नहीं है, कुछ टाइम में वेट के साथ अपने आप ही ये 6 o'clock पे अलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही इसको परफेक्टली अलाइन करके चले तो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो टॉरिक को पहनते हुए आपको ध्यान रखना है कि लेंस की अलाइनमेंट प्रॉपर हो। तो अगर आप मेरे से पूछो टॉरिक में बेस्ट कौन सा है लेंस, तो डेली डिस्पोजेबल में बायोट्रू ले लो या फिर मंथली डिस्पोजेबल में बॉशन लॉम या एल्कॉन, एल्कॉन का एयर ऑप्टिक्स, बॉशन लॉम का अल्ट्रा, इन दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों बहुत अच्छे लेंसेज हैं। अब बात करते हैं कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस की। कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंस में एक कलर डला होता है, तो जब आप उन कॉन्टैक्ट लेंस को अपनी आंखों में लगाते हो तो आंखों का कलर चेंज हो जाता है। तो दो कंपनी ज्यादा पॉपुलर है इसमें, अगेन एल्कॉन एंड बॉशन लॉम। बॉशन लॉम का लासेले लेंसेज, ये भी तीन तरह के लेंसेज आते हैं, तो आप देख सकते हो इन तीन तरह के लेंसेज हैं। और ये लेंसेज प्लेन भी आते हैं, मतलब बिना पावर के भी आते हैं और पावर के साथ भी आते हैं। तो -10 स्फेरिकल तक आपको इनमें पावर भी मिल सकती है। लासेल डेली डिस्पोजेबल में भी अवेलेबल है, मंथली डिस्पोजेबल में भी अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में टॉरिक लेंसेज नहीं आते। बॉशन लॉम का एक और लेंस आता है जो आजकल नया आया है, विच इज ऑप्टिमा नेचुरल लुक। इसमें भी -6 तक अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है स्फेरिकल, लेकिन अगेन टॉरिक अवेलेबल नहीं है। बॉशन लॉम का जो नेचुरल लुक वाला लेंस है, जो नए लेंसेज आया है इनके, ये क्वार्टरली डिस्पोजेबल है, मतलब 2 हफ्ते में आपको इनको डिस्पोज ऑफ करना है। और जो लासेल है ये इनके डेली और मंथली में अवेलेबल है। अगेन एल्कॉन में भी इसी तरह डेली डिस्पोजेबल होते हैं, मंथली डिस्पोजेबल होते हैं। एल्कॉन में भी 2 categories हैं, फ्रेश लुक एंड एयर ऑप्टिक्स। इसमें एयर ऑप्टिक्स थोड़े से प्रीमियम है, फ्रेश लुक थोड़े से नॉन प्रीमियम है। इसमें अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं। एल्कॉन जो है वो -6 स्फेरिकल तक उसमें अवेलेबल है, अगेन टॉरिक अवेलेबल नहीं है, सिर्फ -6 स्फेरिकल या फिर प्लेन, इस तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं। तो ये सारे कलर्स आते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। लासेल में कौन से कलर्स आते हैं, नेचुरल लुक में कौन से कलर्स आते हैं, फ्रेश लुक में कौन से कलर्स आते हैं, एयर ऑप्टिक्स में कौन से कलर्स आते हैं। काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं, इनमें से आप अपनी चॉइस का कलर चूज कर सकते हो, इन लेंसेज को पहन सकते हो। बेसिकली आजकल एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहनना। अब जो लास्ट कैटेगरी के लेंसेज हैं वो है मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल में भी अगेन बायोट्रू डेली डिस्पोजेबल मल्टीफोकल लेंसेज एंड मंथली डिस्पोजेबल मल्टीफोकल लेंसेज ये अवेलेबल हैं। सिर्फ बॉशन लॉम ही कंपनी है जो मल्टीफोकल लेंसेज बनाती है इंडिया में और जिसके लेंसेज बहुत ही पॉपुलर हैं और रेडिली अवेलेबल हैं। थोड़ा सा मैं आपको लेंस क्लीनिंग सॉल्यूशंस के बारे में भी बता देता हूँ एंड में।
हालांकि बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं लेंस को साफ करने के लिए, ट्रू फ्रेश, ऑप्टी फ्रेश रिप्लेनिश, ऑप्टी फ्रेश प्योर मॉइस्ट, बायो ट्रू, रीन्यू, अलग अलग अवेलेबल हैं, अलग अलग पैकिंग में अवेलेबल हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लेकिन पर्सनली ऑनेस्टली इन सॉल्यूशंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इनमें से आप कोई भी सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, जो चीपेस्ट सॉल्यूशन हो उसको यूज़ कर लीजिए। यूजुअली रीन्यू और ऑप्टी फ्री प्योर मॉइस्ट, ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर हैं, अच्छे सॉल्यूशंस माने जाते हैं। बायो ट्रू भी अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक सॉल्यूशन ख़राब है एक सॉल्यूशन बेटर है, सारे ही इक्वली अच्छे हैं और इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में, कितने तरह के लेंसेज होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज, टॉरिक लेंसेज, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज, डेली डिस्पोजेबल, मंथली डिस्पोजेबल, ईयरली डिस्पोजेबल। कॉन्टैक्ट लेंस को ट्राई करने से पहले, यूज़ करने से पहले आपको प्रॉपरली कॉन्टैक्ट लेंस का ट्रायल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ में चश्मे की प्रिस्क्रिप्शन आ गई तो आपने लेंस ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, उसमें फ़ाइन ट्यूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपरली एक आंखों के हॉस्पिटल में जाके अपने प्रॉपरली कॉन्टैक्ट लेंस का ट्रायल लेके उसको फाइन ट्यून, उसको प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ ही बनवाएं, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी नंबर ऊपर नीचे हो गया तो आंखों में और सिर में दर्द बनना शुरू हो जाएगा और आप बहुत ही अनकंफर्टेबल होंगे। मैंने काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई करने के कितने तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए क्योंकि काफ़ी डिटेल में बन जाता है ये वीडियो। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोशिश करेंगे उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।